Hello students, I am Pragati Varambe, welcomes you all on my channel which is for Bifocal Banking. In last video, we have studied domestic trade and foreign trade and also the various concepts that is balance of payment, balance of trade. Okay, today we start with the next point that is letter of credit. Okay, it is very important document used in import and export procedure. Okay, letter which is given by bank for the goods taken on credit. Okay. This is a letter which is given by bank when any customer purchased the goods or taken the goods on credit basis. That means हम लोग बोलते हैं उधारी पे लिए. Okay? Basically, it is a guarantee taken by bank on the behalf of customer that is importer. Okay? When the trade is a domestic trade, bank guarantee is given. हमने last lecture और last video में देखा था loans and advances के chapter में हमने पढ़ा था what is mean by bank guarantee. Okay? When the goods is taken on the domestic level or in the domestic trade, bank guarantee is given by bank. But when there is an international trade or foreign trade, letter of credit is useful by bank or letter of credit is used by bank to give the guarantee. Okay. Now to start with the definition of letter of credit. Okay. Letter of credit is a guarantee given by importer's bank. What is the mean by importer? Importer is a person who purchased the goods. Okay. Last video we have studied the parties of foreign trade, that is one is importer, second is exporter. Okay, the importer is a purchaser or the buyer or the customer. Okay, so it is a guarantee given by importer's bank. जो buyer है वो buyer के bank ने क्या किया, guarantee दिया. Buyer का जिस bank में account है उसने वो bank ने क्या किया, guarantee लिया है. On the request of importer, means buyer के request पे, purchaser के request पे बैंक ने क्या किया, गारंटी दिया है दैट बायर मेक द पेमेंट. बायर क्या करेगा, पेमेंट करेगा टू द सेलर. सेलर इज अ एक्सपोर्टर, इज आल्सो नोन एज अ बेनिफिशियरी बिकॉज ही गेट द बेनिफिट ऑफ पेमेंट. ओके, विल बी रिसीव ऑन द टाइम एंड फॉर द करेक्ट अमाउंट. क्लियर, समझ में आया. अभी देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ गारंटी. बेसिकली इट इज अ गारंटी गिवन बाय इम्पोर्टर्स बैंक ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इम्पोर्टर. क्लियर, इम्पोर्टर्स बैंक बायर का जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक क्या करेगी, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करेगी. वो क्या होगी, गारंटी होगी. किसके रिक्वेस्ट पे, बायर के रिक्वेस्ट पे, इम्पोर्टर के रिक्वेस्ट पे. और वो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या लिखा होगा, ये एक डॉक्यूमेंट होता है. वो डॉक्यूमेंट क्या, वो डॉक्यूमेंट में बैंक क्या करेगी, इन रिटर्न देगी गारंटी की बायर मेक द पेमेंट. ये जो बायर है, ये जो इम्पोर्टर है, वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा टू द सेलर. सेलर को पेमेंट करेगा, विल बी रिसीव ऑन द टाइम एंड फॉर द करेक्ट अमाउंट. ओके, बायर और सेलर के बीच में, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ऑफ द गुड्स, परचेसिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है, उसका जो पेमेंट है वो बायर टाइम पे करेगा और करेक्ट अमाउंट पे करेगा. ठीक है, ऐसी गारंटी जब बायर की बैंक, इम्पोर्टर्स बैंक लेती है, वो डॉक्यूमेंट को, वो गारंटी को बोला जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट. क्लियर, समझ में आया. अब एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग. देखो, वन इज बायर, ओके, दिस इज वन इज बायर, वन इज सेलर. ओके, वेन बायर इज अनेबल टू पे. ओके, बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ अबाउट सर्टेन गुड्स. ओके, गुड्स लेने, बायर को परचेस करने. बायर इज अ इम्पोर्टर, सेलर इज अ एक्सपोर्टर. ओके, बायर क्या किया, बायर ने बोला कि हाँ मैं गुड्स ले रहा हूँ बट आई डोंट हैव मनी नाउ, मेरे पास अब भी पैसा नहीं है, आई विल पे यू आफ्टर सर्टेन टाइम. ओके, नाउ सेलर ऐसे विश्वास करेगा कि उस पे नहीं, सेलर बोलेगा मुझे गारंटी दे कि आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल रिटर्न मी ऑल माई पेमेंट, ऑल माई मनी. ओके, तो सर बायर क्या करेगा, बायर जाएगा उसके बैंक के पास. बायर्स बैंक, बायर्स बैंक क्या करेगी, इश्यूज द लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर ऑन टाइम पेमेंट. ओके, वो लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट पर लिखा जाएगा कि आफ्टर सर्टन पीरियड, या आफ्टर सिक्स मंथ, आफ्टर एट मंथ, आफ्टर वन ईयर, बायर पे विल पे यू सर्टन अमाउंट. जो कुछ भी अमाउंट है, 5000, 6000, 1 करोड़, 10 करोड़, एनीथिंग, वो अमाउंट पे की जाएगी बाय द बायर. ऐसा लिखा जाएगा एक पेपर पे. इट इज अ गारंटी बाय बायर्स बैंक दैट बायर विल पे ऑल द अमाउंट ऑन टाइम एंड ऑल ऑफ करंट एंड करेक्ट अमाउंट. ऐसे जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर के बैंक को दिया जाएगा. क्लियर, सेलर की भी एक बैंक होगी, सेलर का भी अकाउंट किसी बैंक में होगा, बायर का भी अकाउंट किसी बैंक में होगा. ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट, सो दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज अ लेटर ऑफ क्रेडिट. क्लियर, समझ में आया. बायर अगर पेमेंट नहीं कर सकता तो बायर जाएगा उसके बैंक के पास, बैंक क्या करेगा, एक रिटर्न में गारंटी लिख के देगा, एक डॉक्यूमेंट पे लिख के देगा गारंटी,
और वो किसको देगा, सेलर के बैंक को देगा, इज नोन एज अ लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, नेम इटसेल्फ इंडिकेट द लेटर दैट मीन्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स जब कोई भी चीज आप उधारी पे लेते हो, ठीक है, इज नोन एज अ क्रेडिट. क्रेडिट पे लिया हमने, एक होता है कैश पेमेंट, एक होता है क्रेडिट पेमेंट. कैश पेमेंट मतलब आप अर्जेंट में उसको कैश दे रहे हो. क्रेडिट पेमेंट का मतलब क्या है, आफ्टर सर्टन पीरियड आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे लिया है और आफ्टर सर्टन पेमेंट आप सर्टन टाइम आप उसको क्या करने वाले, पेमेंट करने वाले. सो क्रेडिट पे अगर कुछ कुछ लिए हैं उसके लिए जो गारंटी ऑफ लेटर बैंक बना के देगा इज नोन एज अ लेटर ऑफ क्रेडिट. क्लियर, समझ में आया. नाउ इन द इवेंट दैट द बायर इज अनेबल टू मेक अ पेमेंट ऑन द परचेस, द बैंक विल रिक्वायर टू कवर द फुल और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द परचेस. ओके, अभी हमने देखा कि बायर बैंक ने क्या किया, सिर्फ एक गारंटी दी कि इम्पोर्टर और बायर क्या करेगा, टाइम पे पेमेंट करेगा और करेक्ट अमाउंट का पेमेंट करेगा. बट इन द इवेंट दैट इज दैट बायर अनेबल टू पे, अगर बायर ने पे नहीं किया तो एज अ बैंक ने गारंटी दी है, सो बैंक विल पे ऑल द अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट. क्लियर, फॉर एग्जाम्पल 5 crores का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसमें से 3 crores ही बायर पे किया, ठीक है, बाकी के 2 crores इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर, लेटर ऑफ क्रेडिट का मीनिंग इतना ही नहीं कि बैंक सिर्फ गारंटी दे कि ये हाँ ये पर्सन पे करेगा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय बायर और इन केस बायर इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, बैंक विल पे ऑल द अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट. क्लियर, समझ में आया डेफिनेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, दिस इज एग्जाम्पल. नाउ द पार्टीज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, ये लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर होता है फ्रॉम इम्पोर्टर टू एक्सपोर्टर. जब पेमेंट किया जाता है इम्पोर्टर टू एक्सपोर्टर, वहां पे देर आर वेरियस पार्टीज आर इंक्लूडेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, इन द प्रोसेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, द फर्स्ट पार्टी इज इम्पोर्टर. इम्पोर्टर इज ऑल्सो नोन एज बायर, ओपनर और एप्लीकर. ओके, बायर कहता है बिकॉज ही परचेज द गुड, ओपनर बिकॉज ही ओपन द लेटर ऑफ क्रेडिट, एंड एप्लीकर हु अप्लाई फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट. हमने डेफिनेशन में देखा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इम्पोर्टर, बैंक कब इश्यू करेगी, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इम्पोर्टर. सो एप्लीकेंट मीन्स हु अप्लाई फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट, इम्पोर्टर अप्लाई फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट, सो इज नोन एज अ एप्लीकेंट. क्लियर, द सेकेंड इज इशूइंग बैंक. ओके, इशूइंग बैंक इज ऑल्सो नोन एज इम्पोर्टर्स बैंक. ओके, एंड ऑल्सो नोन एज ओपनिंग बैंक. ओके, थर्ड इज एक्सपोर्टर. एक्सपोर्टर इज ऑल्सो नोन एज बेनिफिशियरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिलिंग द ब्लैंक. ओके, एक्सपोर्टर इज ऑल्सो नोन एज डैश, एक्सपोर्टर इज ऑल्सो नोन एज बेनिफिशियरी. क्लियर, वाई बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मीन्स हु गेट्स द बेनिफिट. एक्सपोर्टर एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल रिसीव ऑल द पेमेंट, उसको पेमेंट मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, सो ही गेट द बेनिफिट ऑफ पेमेंट, सो इज नोन एज अ बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी इज बेनिफिट, लग ऐसे ध्यान में रखो, बेनिफिशियरी बेनिफिट. किसको बेनिफिट मिलेगा एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपोर्टर को बेनिफिट मिलेगा, एक्सपोर्टर को पैसा मिलेगा, सो एक्सपोर्टर बिकम्स एन बेनिफिशियरी. क्लियर, द फोर्थ पार्टी इज एडवाइजिंग बैंक, देन फिफ्थ इज निगोशिएटिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, एंड द लास्ट इज री इंड्यूसिंग बैंक. ओके, नाउ हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे एक्चुअली लेटर ऑफ क्रेडिट कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर होता है और उसका एक्चुअली मूवमेंट क्या होता है. क्लियर, नाउ इन अवर वन एग्जाम्पल देर इज अ वन पर्सन हु इज अ इम्पोर्टर और बायर और ओपनर और एप्लीकेंट. ओके, वो इम्पोर्टर हो सकता है, बायर, ओपनर और एप्लीकेंट, दिस ऑल आर द सेम पर्सन. वो पर्सन है ही इज फ्रॉम इंडिया. ओके, हमर इम्पोर्टर इज फ्रॉम इंडिया, द सेकेंड पर्सन दैट इज एक्सपोर्टर दैट इज बेनिफिशियरी हु गेट बेनिफिट ही इज फ्रॉम जापान. ओके, दो पर्सन है, इज फ्रॉम वन इज फ्रॉम इंडिया, सेकेंड इज फ्रॉम जापान. क्लियर, नाउ इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक एग्रीमेंट हुआ है ऑफ सेलिंग द मशीनरी ऑफ ₹5 crores. ओके, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दैट मीन्स जापान इज सेलिंग द मशीनरी ऑफ ₹5 crores टू द इंडिया. क्लियर, सो द जापान बिकम्स एन एक्सपोर्टर एंड द इंडिया बिकम्स एन इम्पोर्टर. क्लियर, नाउ जापान ने बोला कि आई एम सेंडिंग यू द मशीनरी ऑफ ₹5 crores, बट द अमाउंट इज वेरी बिग. ओके, सो आई नीड द लेटर ऑफ क्रेडिट, मीन्स आई नीड अ गारंटी कि तुम मुझे आफ्टर सर्टन पीरियड प्रॉपर अमाउंट और प्रॉपर जो आफ्टर सर्टन पीरियड तुम लोग प्रॉपर अमाउंट को मुझे 5 crores का पेमेंट करोगे, ऐसा कंफर्मेशन, ऐसा गारंटी मुझे चाहिए.
ओके, जापान ने इसे डिमांड की ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ना इंडिया क्या करेगा, जो पर्सन है हमारा इम्पोर्टर है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं थी। ओके, रिक्वेस्ट फॉर एलसी किसके पास जाएगा, वो जाएगा उसके बैंक के पास। इम्पोर्टर का किसी भी बैंक में अकाउंट होगा, वो जाएगा बैंक के पास। एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इम्पोर्टर बैंक क्या करेगी, लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करेगी। ओके, सो बैंक इज नोन एज अ इशूइंग बैंक और ओपनिंग बैंक। ओके, व्हाई द बैंक इज नोन एज इशूइंग बैंक, बिकॉज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इम्पोर्टर बैंक इश्यूज द लेटर ऑफ क्रेडिट। सो द बैंक इज नोन एज अ इशूइंग बैंक। ओके, अवर फर्स्ट पार्टी हो गई इम्पोर्टर, सेकेंड पार्टी हो गई इशूइंग बैंक, थर्ड पार्टी इज एक्सपोर्टर। क्लियर। नेक्स्ट, अभी इशूइंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू किया, वो लेटर ऑफ क्रेडिट जाएगा किसके पास, एडवाइजिंग बैंक के पास। ओके, दिस इज द सेकेंड बैंक, एडवाइजिंग बैंक। और ये बैंक क्या करेगी, लेटर ऑफ क्रेडिट का वेरिफिकेशन करेगी। ओके, ऑथेंटिकेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट और वेरिफिकेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। दैट मीन्स ये जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड जापान, वो प्रॉपरली एलसी में लिखा है कि नहीं, सारे कंडीशंस प्रॉपरली एलसी में लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखे हुए कि नहीं, ये चेक करने का काम किसका है, एडवाइजिंग बैंक का है। ओके, व्हाई इट इज एडवाइजिंग बैंक, बिकॉज इन लेटर ऑफ क्रेडिट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम और एनी डिफिकल्टी, एडवाइजिंग बैंक विल एडवाइज टू द इशूइंग बैंक। ओके, एडवाइज दे रही है, सो इट इज अ एडवाइजिंग बैंक। इशूइंग बैंक इश्यू कर रही है, इट इज अ इशूइंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक एडवाइस दे रही है, सो इट इज एडवाइजिंग बैंक। क्लियर। फर्स्ट लेटर ऑफ क्रेडिट क्या हुआ, इशूइंग बैंक ने इश्यू किया, इशूइंग बैंक से वो लेटर ऑफ क्रेडिट गया एडवाइजिंग बैंक के पास, अभी एडवाइजिंग बैंक से वो लेटर ऑफ क्रेडिट जाएगा एक्सपोर्टर के पास। ओके, एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए था, लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया। नाउ एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर वो जो गुड्स है, वो जो मशीनरी है, वो शिप पे लोड करेगा। दैट मीन्स वो शिप पे चढ़ाएगा, और अभी वो शिप निकल गए टू द इंडिया। ओके, अभी तक पहुंचे नहीं, वो निकल गए फ्रॉम जापान टू द इंडिया। नाउ जब एक्सपोर्टर गुड्स लोड करता है, मशीनरी शिप पे लोड करता है, ही गेट्स द वन डॉक्यूमेंट दैट इज नोन एज अ बिल ऑफ लेडिंग। ओके, हमने देखा था एडवांसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में, द फर्स्ट टाइटल ऑफ गुड्स इज क्या था, बिल ऑफ लेडिंग। क्लियर। व्हाट इज मीन बाय बिल ऑफ लेडिंग, इट इज अ रिसीट गिवन बाय शिपिंग कंपनी। जब कोई भी गुड्स आप शिप पे लोड करते हो, तो शिपिंग कंपनी आपको एक रिसीट देती है कि यस योर गुड्स रिसीव बाय अस, आपके गुड्स मुझे मिल गए हैं, उसके बाद वो पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हमारी है। जब ऐसी रिसीट शिपिंग कंपनी इशू करती है, और वो रिसीट पे सारे डिटेल्स रहते हैं, कौन से गुड्स है, शिपर का नाम क्या है, कौन से कंट्री से कौन से कंट्री में जा रहे हैं, सारे डिटेल वो रिसीट पे लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, द डॉक्यूमेंट इज नोन एज द रिसीट इज नोन एज लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है is known as a bill of lading. Sorry, the bill, the document is known as a bill of lading. वो bill of lading और ये letter of credit, ये दो documents exporter क्या करेगा, एक third bank को देगा, the bank is known as a negotiating bank. Okay, ये document क्या किए जाएंगे, transfer किए जाएंगे to the negotiating bank. और negotiating bank क्या करेगा, payment करेगा to the exporter. Clear है, समझ में आया यहाँ तक? First हमने क्या देखा, इम्पोर्टर ने लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वेस्ट की टू द इशूइंग बैंक ने वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया। आफ्टर इशूइंग बैंक का काम, वो लेटर ऑफ क्रेडिट किसके पास जाएगा, एडवाइजिंग बैंक के पास जाएगा। एडवाइजिंग बैंक वहां पे क्या करेगी, वेरिफिकेशन करेगी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। आफ्टर द वेरिफिकेशन वो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को सेंड किया जाएगा। नाउ एक्सपोर्टर गेट लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ उसके बाद एक्सपोर्टर क्या करेगा, जो गुड्स है, वो जो मशीनरी सेल करने की थी इंडिया को, वो मशीनरी उसने शिप पे लोड की और वो भेज दी टू द इंडिया। ओके, नाउ जब दो गुड्स शिप में लोड किए, उसने वो मशीनरी शिप पे लोड की, उसको क्या मिला, एक डॉक्यूमेंट मिला नोन एज अ बिल ऑफ लेडिंग। ओके, वो बिल ऑफ लेडिंग और वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो एक्सपोर्टर के पास था, वो लेटर ऑफ क्रेडिट उसने सेंड किया टू द निगोशिएटिंग बैंक। और जो पैसा था 5 करोड़, निगोशिएटिंग बैंक ने वो पैसा किसको दिया, एक्सपोर्टर को दे दिया। नाउ एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर ने गुड सेल किए, डॉक्यूमेंट्स सेंड किए और उसको उसका पेमेंट भी मिला। ओके, नाउ द रोल ऑफ एक्सपोर्टर इज ओवर। क्लियर, एक्सपोर्टर का रोल यहाँ पे खत्म होता है। नाउ द रोल ऑफ निगोशिएटिंग बैंक इज स्टार्ट। अभी रोल निगोशिएटिंग बैंक का रोल यहाँ पे स्टार्ट हुआ। क्लियर।
Now, negotiating bank will transfer all documents to the issuing bank, and issuing bank make the payment to the negotiating bank. जो 5 करोड़ का पेमेंट negotiating bank ने exporter को किया था, वो 5 करोड़ का पेमेंट अभी issuing bank करेगी, किसको? Negotiating bank को. Okay? जैसे हमने देखा कि exporter का रोल यहाँ पे खत्म हो गया, after sending the goods, after sending document, and after receiving the payment of 5 crores. See, अभी negotiating bank ने document send किए, और negotiating bank को उसका payment मिल गया. Now, the role of negotiating bank comes to an end. Okay? Now, यहाँ पे भी दो ही parties बचती है. One is issuing bank, and the second is importer. Okay? Now, issuing bank को documents मिले, that is letter of credit and bill of lading, वो documents negotiating issuing bank क्या करेगी, send करेगी to the importer. Okay? उन्होंने क्या किया, document send किया to the importer, और importer वो जो 5 करोड़ का payment है वो payment करेगा to the issuing bank. Clear? समझ में आया? ये सारी process है letter of credit की और उससे मिलने जाने वाली payment की. Clear है यहाँ पे? सबको समझ में आया? अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से ये पूरी प्रोसेस रिवाइज करेंगे. ओके ओके. The first party is importer. Okay, importer, buyer, owner of applicant. Okay, he is from India. Okay, the second person is exporter, that is beneficiary. He is from Japan. Clear? Now, India and Japan के बीच में contract हुआ है, एक agreement हुआ है of selling machinery of rupees 5 crores. Okay, Japan will sell the machinery of rupees 5 crores to the India. But Japan needs or Japan demands the letter of credit. Okay? Now, India, that is importer, क्या करेगा? He will go to his bank and request for LC. Okay? तो क्या करेगा? Bank के पास जाएगा और request करेगा कि मुझे letter of credit issue करके दो. ठीक है? Now, our जो issuing bank क्या करेगी? Letter of credit issue करेगी, so is known as the issuing bank. ठीक है? After issuance of letter of credit, letter of credit is transferred to the advising bank. Okay? Letter of credit is transferred to the advising bank and advising bank make the verification of letter of credit or authentication of letter of credit. That means checking of letter of credit of proper details hai ki nahi, pura check kiya jayega by advising bank. Okay? Now, next, advising bank sends that letter of credit to the exporter. Okay? Now, letter of credit is sent to the exporter. Exporter get that letter of credit. और now exporter ने क्या किया, वो जो goods थे, वो जो machinery थी, वो क्या की, ship पे load की और India के लिए send कर दी. जब letter of credit receive होने के बाद exporter ship पे goods load करता है, ship पे वो machinery load करता है, exporter will get the one document is known as a bill of lading. Okay? That bill of lading and that LC will transfer to the next bank, that is negotiating bank. Okay? Negotiating bank को वो letter of credit और वो bill of lading send किया जाएगा by the exporter and negotiating bank will make the payment of rupees 5 crores to the exporter. Clear? Exporter ने goods ship पे load कर दिए, उसने document transfer किए और 5 crores का payment भी उसको मिल गया. Now the role of exporter will comes to an end. Clear? Now the negotiating bank क्या करेगी, चेक करेगी सारे डॉक्यूमेंट्स एंड वो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करेगी टू द इशुइंग बैंक. तो सारे डॉक्यूमेंट किसको ट्रांसफर किए जाएंगे, इशुइंग बैंक. नाउ आफ्टर रिसीविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल ऑफ लेडिंग, इशुइंग बैंक विल मेक द पेमेंट टू द निगोशिएटिंग बैंक ऑफ रुपीज 5 करोड़. जो 5 करोड़ रुपीज उन्होंने एक्सपोर्टर को एज अ पेमेंट दिए, अभी उनको भी मिलने चाहिए, उन्होंने तो खुद से दिए वो पेमेंट. Now, issuing bank क्या करेगी, वो जो 5 करोड़ का पेमेंट है वो करेगी negotiating bank को and the role of negotiating bank comes to an end. Okay? अभी इसको पेमेंट भी मिला, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी ट्रांसफर किए, अभी इनका रोल क्या हो गया, खत्म. नेक्स्ट, इशुइंग बैंक के पास अभी डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट किसके पास जाएंगे, इम्पोर्टर के पास जाएंगे और इम्पोर्टर क्या करेगा, उनको पेमेंट करेगा ऑफ रुपीज 5 करोड़. ओके? जो गुड्स शिप किए हैं वो गुड्स भी इंडिया को मिल जाएंगे, वो गुड्स भी इंडिया को मिल जाएंगे और इंडिया ने उसका पेमेंट भी किया और इंडिया को वो सारे ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए. ठीक है? क्लियर? दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. ठीक है? दिस नोन एज ओपनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट.
लेटर ऑफ क्रेडिट इम्पोर्टर से जाएगा इशुइंग बैंक के पास, इशुइंग बैंक से जाएगा एडवाइजिंग बैंक के पास, उसके पास जाएगा एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के बाद जाएगा निगोशिएटिंग बैंक के पास, निगोशिएटिंग बैंक से जाएगा रिटर्न इशुइंग बैंक के पास. क्लियर? दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. क्लियर समझ में आया? प्लस उसके उसमें क्या होता है, पेमेंट होता है. हमेशा याद रखो, देखो इजीली तुम लोगों को समझने के लिए जो ब्लू कलर में है दिस इज अ पेमेंट, और जो सेकेंड एरो इट इज फॉर ट्रांसफर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. क्लियर समझ में आया? दिस ऑल द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे क्या है, पार्टीज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. हमने नेम ऑफ द पार्टीज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट देखे थे. द फर्स्ट पार्टी इज अ इम्पोर्टर, द पर्सन हु रिक्वेस्ट फॉर एलसी और हु परचेज द गुड्स. सेकेंड पार्टी इज इशूइंग बैंक, ओके, द बैंक हु इशूज द लेटर ऑफ क्रेडिट. थर्ड पार्टी इज एक्सपोर्टर और बेनिफिशियरी हु सेल्स द गुड्स, ओके, और हु गेट्स द बेनिफिट. फोर्थ पार्टी इज एडवाइजिंग बैंक, द बैंक हु डन द वेरिफिकेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. नेक्स्ट पार्टी इज निगोशिएटिंग बैंक, द बैंक हु ट्रांसफर्स ऑल द डॉक्यूमेंट फ्रॉम एक्सपोर्टर टू द इशूइंग बैंक. ओके, दिस ऑल आर द पार्टीज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, देयर आर टू मोर पार्टीज दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पॉइंट. ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द पार्टीज. द फर्स्ट हमने देखा था इम्पोर्टर इज ऑल्सो नोन एज बायर, ऑल्सो नोन एज ओपनर एंड एप्लीकेंट. पर्सन हु रिक्वेस्ट बैंक दैट इज इशूइंग बैंक टू इशू द लेटर ऑफ क्रेडिट इज नोन एज अ इम्पोर्टर. जो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज इशू करो, ठीक है, पर्सन इज नोन एज अ इम्पोर्टर. सेकेंड इज इशूइंग बैंक दैट इज ओपनिंग बैंक. बैंक हु इशूज द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड सेंड इट टू द एडवाइजिंग बैंक फॉर द वेरिफिकेशन एंड ऑल्सो रिसीव द डॉक्यूमेंट एंड मेक द पेमेंट टू द निगोशिएटिंग बैंक. ओके, यहाँ पे तीन पॉइंट थे. द फर्स्ट पॉइंट इज हु इशूज द लेटर ऑफ क्रेडिट. यहाँ पे देखा था, देखो इशूइंग बैंक कौन है, जो इशू करती है लेटर ऑफ क्रेडिट. सेकेंड पॉइंट, जो लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड करती है टू द एडवाइजिंग बैंक फॉर द वेरिफिकेशन. थर्ड पॉइंट, जो क्या करती है, निगोशिएटिंग बैंक से डॉक्यूमेंट रिसीव करती है और निगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट करती है, इज नोन एज अ इशूइंग बैंक. फर्स्ट हु इशूज द लेटर ऑफ क्रेडिट, सेकेंड हु ट्रांसफर द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एडवाइजिंग बैंक, थर्ड हु रिसीव द डॉक्यूमेंट फ्रॉम निगोशिएटिंग बैंक एंड ट्रांसफर द पेमेंट. क्लियर? The third is exporter. Exporter is also known as a beneficiary. Hamesha yaad rakhna. The person who sells the goods and accept the money. Simple. The person who sells the goods and accept the money is known as a exporter. Clear? Next is advising bank. Advising bank is an intermediary bank between the issuing bank and exporter. Advising bank's responsibility is to authenticate the letter of credit to avoid the frauds. Clear? सी हमने देखा था एडवाइजिंग बैंक का काम क्या है. एडवाइजिंग बैंक करती है ट्रांसफर करती है लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इम्पोर्टर्स बैंक दैट इज इशूइंग बैंक टू द एक्सपोर्टर. और क्या करती है, वेरिफिकेशन करती है, वेरिफिकेशन करती है और ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन का मीन्स है वेरिफिकेशन, ठीक है, वो चेकिंग करती है टू अवॉइड द फ्रॉड. द नेक्स्ट इज निगोशिएटिंग बैंक. निगोशिएटिंग बैंक इज वन हु निगोशिएट्स द डॉक्यूमेंट. निगोशिएशन दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स from beneficiary that means exporter to the issuing bank and make the payment to the beneficiary. Clear? हमने यहाँ पे देखा था negotiating bank है. यहाँ पे negotiating bank क्या करती है, negotiate करती है, transfer करती है document from the exporter to the issuing bank and क्या करती है, payment करती है to the exporter. Clear? The next, these two are extra, that is additional bank which is known as a parties of letter of credit. Okay, this is a confirming bank. Okay, confirming that means confirmation. Okay, when anyone bank adds a confirmation in the letter of credit after the request of issuing bank, the bank is known as a confirming bank. Okay, अभी हमने देखा कि issuing bank letter of credit issue करती है. Okay, but letter of credit जब issue किया जाता है उसमें कभी कभी double confirmation होना important. ठीक है, that means if in case बहुत बड़ी अमाउंट का अगर लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू किया जाता है तो एक एडिशनल बैंक को बोला जाता है कि आप कंफर्मेशन दो कि यस इश्यू बैंक ने जो लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू किया है वो परफेक्ट है और उसको हमारा कंफर्मेशन मिला, दैट मींस दैट लेटर ऑफ क्रेडिट इज परफेक्ट एंड यू कैन सेंड इट टू द एक्सपोर्टर. ओके, व्हेन एडिशनल बैंक गिव देयर स्टैम्प एंड सिग्नेचर ऑन द लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, ऑलरेडी इश्यूइंग बैंक ने इश्यू किया है लेटर ऑफ क्रेडिट
उसी लेटर ऑफ क्रेडिट पे एक एडिशनल बैंक करती है कंफर्मेशन. द बैंक इज नोन एज अ कंफर्मिंग बैंक. ओके, व्हेन एडिशनल बैंक गिव कंफर्मेशन टू द लेटर ऑफ क्रेडिट इज नोन एज अ कंफर्मिंग बैंक. क्लियर. द नेक्स्ट इज रीइंड्यूसिंग बैंक. ओके, रीइंड्यूसिंग बैंक का मतलब है जो रीइंड्यूसमेंट करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन करना. ओके, रीइंड्यूसिंग बैंक इज अ पार्टी हु ऑथराइज्ड टू ऑनर द रीइंड्यूसमेंट क्लेम ऑफ द निगोसिएशन पेमेंट और एक्सेप्टेंस. रीइंड्यूसिंग बैंक इज अ सेटलमेंट बैंक बिटवीन द इश्यूइंग बैंक एंड द निगोशिएटिंग बैंक और द कंफर्मिंग बैंक. ओके, रीइंड्यूसिंग बैंक का मतलब क्या है, इन केस निगोशिएटिंग बैंक के पास अगर मनी नहीं है तो रीइंड्यूसिंग बैंक क्या करेगी, पेमेंट करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ निगोशिएटिंग बैंक. क्लियर. दिस इज नोन एज अ रीइंड्यूसिंग. रीइंड्यूसिंग का मतलब है कंपनसेशन देना. जब कोई भी पेमेंट देती है, देखो सारे केसेस में हमने देखा कि वहां पे पेमेंट दिया जा रहा है. ठीक है, निगोशिएटिंग बैंक पेमेंट कर रही एक्सपोर्टर को, इश्यूइंग बैंक पेमेंट कर रही निगोशिएटिंग बैंक को. इन केस निगोशिएटिंग बैंक को अगर पेमेंट करना है एक्सपोर्टर को और उनके पास अभी फिलहाल पैसा नहीं, ठीक है, तो इन दैट केस रीइंड्यूसिंग बैंक विल पेमेंट टू द एक्सपोर्टर ऑन द बिहाफ ऑफ निगोशिएटिंग बैंक. ठीक है, निगोशिएटिंग बैंक के पास पैसा नहीं है, रीइंड्यूसिंग बैंक क्या करे, कॉम्पनसेट करिए, पेमेंट करिए टू द एक्सपोर्टर. ठीक है, इज नोन एज अ रीइंड्यूसिंग बैंक और पेइंग बैंक और बैंक विच इज गिविंग पेमेंट. ओके, इज नोन एज अ रीइंड्यूसिंग बैंक. ओके, आई होप आपको सारी पार्टी समझ में आ गए. द फर्स्ट पार्टी इज इम्पोर्टर, द सेकेंड पार्टी इज इशूइंग बैंक, एक्सपोर्टर, एडवाइजिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक एंड टू इट्स एडिशनल आर कंफर्मिंग बैंक एंड रीइंड्यूसिंग बैंक. ओके, आई होप आपको सारे पार्टीज क्लियर हो गए. Now, in the next video, we will see the types of letter of credit. Clear? Thank you.